हमारा टॉपिक है सर्वलेट कॉन्टेक्स इंटरफेस मैथड्स तो सम कॉमनली यूज मैथड्स इन सर्वलेट कॉन्टेक्स इंटरफेस सबसे पहले हम बात करेंगे गेट इन इट पैरामीटर्स और इसकी रिटर्न टाइप आप देख सकते हैं स्ट्रेंग और इसमें आप स्ट्रेंग पास करें रिटर्न द पैरामीटर वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड पैरामीटर नेम तो बेसिकली जो भी आप पैरामीटर मैंशन करेंगे ये उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा और ये बड़ा यूजेबल मेथड है जनरली हम यूज कर रहे होते हैं इसे इसी तरह से है गेट इन इट पैरामीटर नेम्स रिटर्न द नेम ऑफ द कॉन्टेक्स इनिशलाइजेशन पैरामीटर तो बेसिकली ये आपको इनिशलाइजेशन पैरा मीटर रिटर्न करता है इसी तरह से सेट एट्रीब्यूट का एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है इनफैक्ट आप सेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी तो इसमें आप स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट दो टाइप के ऑब्जेक्ट पास करेंट्स द गिवन ऑब्जेक्ट इन द एप्लीकेशन स्कोप तो अगर आप कोई एप्लीकेशन स्कोप यानी आप चाहते हैं कि ये तमाम एप्लीकेशन uh, के अंदर ये चीजें एक्सेसिबल हो जाएं तो आप बेसिकली स्ट्रिंग के नेम के साथ एक ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर सकते हैं ये की वैल्यू पेयर के तौर पे आप पास करें और ये की uh, वैल्यूपेयर जो है यानी ऑब्जेक्ट जो है इनफेक्ट पूरे एप्लीकेशन स्कोप में आपको विजिबल हो जाएगा इसी तरह से गेट एट्रीब्यूट जब आपने पहले सेट किया किसी ऑब्जेक्ट को और बाद में आपको उसकी जरूरत पड़ गई तो आप सिर्फ उसका स्ट्रिंग नेम कर दें इनफेक्ट ये वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा अप करके और उसकी टाइप कर देगा ऑब्जेक्ट और आप उसे फिर डाउनकास्ट करके अपनी जो भी आपकी फॉर्म थी उसमें यूज कर सकते हैं इसी तरह से गेट इन इट पैरामीटर नेम द द नेम्स ऑफ इनिशलाइजेशन पैरामीटर एज एन एनिमरेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तो बेसिकली गेट इन इट पैरामीटर नेम्स जो है ये एनमरेशन रिटर्न कर रहा है और इनके जरिए आप जितने भी कॉन्टेक्स इनिशलाइजेशन पैरामीटर्स हैं उनको रिट्रीव कर सकते हैं और ये एक कलेक्शन आपको रिटर्न हो जाती है एनुमरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स में तो इनको इनको आप यूज कर सकते हैं अपने आ, आ, किसी भी कॉन्टेक्स के हवाले से अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस फंक्शन के जरिए वो डाटा गेट करके आप उन्हें यूज कर सकते हैं इसी तरह से रिमूव एट्रीब्यूट है जैसे आपने सेट एट्रीब्यूट किया था आपको बाद में उसे स्कोप से ख़त्म करना है एप्लीकेशन स्कोप से ख़त्म करना है तो आप सिर्फ रिमूव एट्रीब्यूट का फंक्शन कॉल करें विद स्ट्रिंग नेम तो ये उसे एप्लीकेशन स्कोप से उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है और फिर फर्दर है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्ट मेथड फॉर सर्वलेट कॉन्फेट इंटरफेस रिटर्न्स ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स तो एक मशहूर मेथड है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स तो ये जब भी आपको कोई ऐसा काम करना होता है जब आप कॉन्टेक्स ही पूरा कॉन्टेक्स ऑब्जेक्ट गेट करना चाह रहे होते हैं तो ये बेसिकली सर्वलेट कॉन्फ्लिक मेथड है रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट और इसी तरह से गेट सर्वलेट कॉन्टेक्ट मैथड ऑफ जेनेरिक जेनेरिकट क्लास रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स बेसिकली दो मैथड हैं ये गेट सर्विलेट कॉन्टेक्ट ये एक सेविलेट कॉन्फ्लिक क्लास का मेथड है इंटरफेस का मैथड है और एक इसी तरह से जेनेरिक जेनेरिकट क्लास का मैथड है लेकिन दोनों इनफैक्ट आपको सर्वलेट कॉन्टेक्ट ही रिटर्न करते हैं दोनों केसेस में आपको सर्वलेट कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है इसके अलावा है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स में गेट सर्वलेट कॉन्टेक्ट इसको यूज किस तरह से कर सकते हैं सर्वलेट कॉन्टेक्स एप्लीकेशन इज इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्फ्लिक डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स यावलेट कॉन्टेक्स एप्लीकेशन इज इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्टेक्ट डायरेक्टली तो दोनों तरीके का पॉसिबल हैं और दोनों से आपको बेसिकली uh, एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स या सर्वलेट कॉन्टेक्ट आपको रिटर्न होता है और आप उसे एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में असाइन करें तो ये बेसिक आइडिया था सर्वलेट कॉन्टेक्ट के हवाले से और इससे आपको ये बेसिक पता लगा कि किस तरह से हम एप्लीकेशन के स्कोप में अगर चीजें सेट करना चाह रहे हैं और उन्हें रिट्रीव करना चाह रहे हैं डिफरेंट सर्वलेट्स में तो जहां पर भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स इसके तो फौरी तौर पर जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वह सर्वलेट कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा जिसके जरिए फिर हम जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ रखी हुई है उन्हें गेट पैरामीटर या सेट एट्रीब्यूट या गेट एट्रीब्यूट या रिमूव एट्रीब्यूट के फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए उनको हम बेसिकली uh, रिट्रीव कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं तो जनरली आपको इससे गेट सर्वलेट का काफी का थ्रेटिकली uh, पता लग गया होगा और ये एक बड़ा यूजेबल कॉन्सेप्ट है तो होपफुली हम जब इसको डेमो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगी